अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी, जो हम बम्बई स्टाइल की बना रहे हैं। बॉम्बे में जैसी बनती है बिरयानी, उस तरीके की बना रहे हैं हम। तो उसके लिए हमें चाहिए, हमने आधा किलो बासमती राइस लिया है, जिसे हमने आधा घंटे से इस तरह के लंबे चावल लिए हमने बासमती पुराने, तो हमने इसे आधे घंटे से भिगो के रखा था। तो आधा किलो चावल के हिसाब से हमने 400 ग्राम चिकन लिया है और 150 ग्राम हमें प्याज लगेगी। हमने इस साइज़ की प्याज लिया था। इसको हमने अच्छी पतली स्लाइस में काट के फ्राई करके इस तरह से रख दिया है। बाद में हम इसे पीसेंगे। तो सबसे पहले हमें खड़े मसाले लगेंगे, जो हम चावल के अधन में डालने वाले हैं। चावल उबालने, जो पानी में हम चावल उबालने वाले हैं, उसमें हम सबसे पहले ये खड़ा मसाला डालेंगे, जिसके लिए हमने 2-3 दालचीनी के टुकड़े, 3 इलायची और 1-2 लौंग और 2-3 काली मिर्ची और आधा टीस्पून हमने शाहजीरा लिया है। तो ये हम बॉयल चावल के पानी में डाल देंगे। और गरम मसाला लगेगा हमें, जो हम बिरयानी में डालने वाले हैं। तो हमें इसके लिए चाहिए एक बड़ी इलायची लिया हमने, 2 छोटे इलायची और बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा जावित्री का लगेगा हमें, और आधा टीस्पून शाहजीरा, 2-3 काली मिर्ची, 2 तेज़पत्ते और 2-3 दालचीनी के टुकड़े और 3-4 लौंग लगेंगे हमें। ये इन सबको हम भून के पीस लेंगे, ये मसाले को और शाहजीरा। और मसाला पीसने में हम पिसा हुआ जीरा, जो हमने आधा टीस्पून लिया है, और धनिया की बुकनी आधा टीस्पून से थोड़ी और कम, बिल्कुल 1/4 टीस्पून हमने धनिया की बुकनी ली है, जो हम ये गरम मसाले के साथ इसे पीस लेंगे। फिर और पीसने में हम इसमें से आधा धनिया पीसने में लेंगे हम, 2-4 हरी मिर्ची पीसने में लेंगे, बाकी के हम 10-12 हरी मिर्चियाँ हमारी जो अखनी रहेंगी इसमें ऐसी ही कट्स लगा के डाल देंगे। कोतमीर और हरी मिर्ची हम आधी पीसने में ले रहे हैं और आधी है तो हम अखनी में डालेंगे। तो पीसने में हम सिर्फ 2-3 हरी मिर्ची ही लेंगे एक जार में, जिसको हम पीस लेंगे। और एक टमाटर हमने जो गैस पे इसको कट्स लगाकर भून लिया था, जो हमने आपको कुछ झिंगाड़ा सालन में बताया था, इसका छिलका निकाला, उस तरीके से हमने इसका छिलका गैस पे भून के निकाल लिया। इसे अब हम बारीक चॉप करके बघार में डाल देंगे। आप चाहे तो और ज़्यादा भी टमाटर डाल सकते हैं, हम इसमें अभी एक ही डाल रहे हैं, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और दही हमने टोटल 125 लगेगा, यानी कि 250 ग्राम। तो हमने 50 ग्राम चक्का दही लिया है, 4-5 टेबलस्पून है ये, जो हम चिकन में लगाएंगे। फिर बाद में हल्का सा फ्राई करके चिकन को, जो हम अखनी बघारेंगे उसमें डाल देंगे। तो सबसे पहले हम अखनी को बघारेंगे, उसमें हम ये दही, टमाटर और कोतमीर, हरी मिर्ची पिसा हुआ पेस्ट और नींबू और ये गरम मसाला और प्याज को भी हम बारीक पीस के इसमें डाल देंगे। और अदरक लहसुन हमने 2 टेबलस्पून लिया है, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और हल्दी भी टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम चिकन में अदरक लहसुन दही और नमक डाल के इसे मिला के आधा घंटा फ्रिज में रख देंगे। तो हम 1 टेबलस्पून उतना उसमें अदरक लहसुन डालेंगे, फिर ये पूरा दही डाल देंगे हम इसमें। और फिर ये नमक इस तरह से इसको मिक्स करके आधा घंटा हम फ्रिज में रख देंगे। तो चलिए हम इन मसालों को भून लेंगे और फिर से इसके इसका एक पेस्ट बना देंगे। फिर हरी मिर्ची और कोतमीर भी पीस लेंगे हम। इस एक जार में आपको बता देते कितने लेंगे हम, इतनी कोतमीर और ये 3 हरी मिर्ची लगेगी हमें। तो ये 3 हरी मिर्चियाँ, ये इसको हम बारीक पीस लेंगे और बघारने के बाद अखनी में डाल देंगे।
और मीठा तेल हमें बघार के लिए लगेगा, हमें जितना लगे हम उतना लेंगे। बाकी का हम जो तली हुई प्याज का तेल है वो हम बिरयानी दम देते वक्त उस पर डाल देंगे, और हमें फूड कलर लगेगा ऑरेंज कलर और येल्लो कलर, वो हम दम देते वक्त डालेंगे। हमने जिसमें प्याज को फ्राई किया था वही पैन लेंगे हम, उसी में हम थोड़ा सा प्याज का तेल लिया हमने, इसमें 4 से 5 टेबल स्पून उतना बघार के लिए लगेगा हमें, और ये थोड़ा सा हम खड़ा मसाला डाल रहे हैं, 4-5 लौंग, 2-3 काली मिर्ची और 1 इलायची और थोड़ा सा शाहदीरा, इसे इस तरह से डाल देंगे। हल्की सी खुशबू आने के बाद इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, फिर ये लाल मिर्ची डाल देंगे, फिर हल्दी पाउडर, बिल्कुल 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है हमने, और टमाटे को डाल देंगे। जो हमने वो टमाटर रखा था जिसे भून के छिलका निकाल के, तो उसको हमने बारीक काट दिया था, उसको डाल दिया हमने। इसे अच्छे से भूनने तक इसे पकने देंगे, फिर ये नमक डाल देंगे हम, बाद में अगर हम चख के फिर बाद में अगर हमें लगेगा तो हम और डालेंगे। पहले टमाटो को अच्छे से मिक्स होने देंगे, उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। ये टमाटे हमारे 4-5 मिनट से पक रहे थे, तो अच्छे से घुल गए हैं वो, अच्छे से हमने से इसके चमचे के मदद से अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब इसमें हम ये जो दही रखा था वो डाल देंगे, इसे हम थोड़ा सूखने तक इसे पकने देंगे, 10 से 15 मिनट। थोड़ी अखनी जब हमारी थोड़ी सूखने शुरू होंगी तो इसमें हम फिर प्याज को पीस के इसमें मिला देंगे, फिर चिकन को हम थोड़ा फ्राई करके इसमें मिक्स कर देंगे। तो चलिए इसे हम 10 मिनट तक से हम दही को सूखने देंगे। ये चावल को हमने इसका पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अच्छे से गर्म हो गया था हमारा पानी, तो हमने इसमें ये चावल डाल दिया है, इसे भी हम 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे, बॉईल होने देंगे। इसके बाद इसे हम निथार लेंगे, 4-5 मिनट तक इसे पकने देंगे। चावल हमारे 5-6 मिनट से अच्छे से पक रहे हैं, अब इसे हम निथार लेंगे। ये इस तरह से हम दबा के देखेंगे तो ये हमारे अच्छे से दब रहे हैं। थोड़े से हमें बहुत ज़्यादा इसे ना नरम रखना है ना बहुत ज़्यादा सख्त, ये एक कनी हमारी इसमें बाकी, तब इसे हम निथार लेंगे। इस तरह से हमने ये चावल को एक छन्नी में निथार लिया है, इसे हम अखनी डाल के दम दे देंगे। तो चलिए अभी अखनी में हम चिकन डालेंगे फ्राई करके हल्का सा। हमने हमारी 6-7 मिनट से पक रही थी अखनी, ये इसमें हम ये प्याज को हमने इस तरह से बारीक पीस लिया है, ये डाल लेंगे इस तरह से। इसमें ये तली हुई प्याज को हमने मिक्सर में पीस लिया था, आप प्याज आपके हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। हमने 150 ग्राम नॉर्मल साइज़ की 4 प्याज लिया था, आप चाहे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं प्याज। इसमें हम ये नींबू का रस रखा था हमने, ये डाल देंगे। इस तरह से छन्नी के मदद से छान के फिर कोथमीर और हरी मिर्ची पीस के वो भी मिक्स कर देंगे। ये हरी मिर्ची और कोथमीर को हमने इस तरह से पीस लिया था और इसे भी हम इसमें डाल देंगे। बस हमें चिकन को हल्का सा फ्राई करके इसमें मिक्स कर देना है। ये जो गरम मसाला रखा था हमने इसे भून कर उस तरह से पेस्ट बना लिया था, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये हमारी अखनी अच्छे से सूख गई है, अब इसमें हम चिकन को हल्का सा फ्राई करके इसमें मिक्स कर देंगे।
इसमें हमने एक टेबल स्पून इतना इसमें हम तेल डालेंगे। ये चिकन को हमने जो दही वो लगा के रखा था इसे हम इस तरह से पैन में डालते हैं। तो हमें 3 से 4 मिनट तक ये जो हल्का सा फ्राई करना है, फिर इसे हम अपनी में मिलाएंगे। अच्छे से 3-4 मिनट फ्राई होने देंगे, फिर इसमें मिक्स कर देंगे। ये चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसे हम हमारी अखनी में डाल देंगे। तो चलिए इसमें हम हमारी ये अखनी जो रखी हुई है इसमें हम ये चिकन डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिला देंगे। क्या और 4-5 मिनट पकने देंगे, फिर इसमें हम हरा धनिया और हरी मिर्ची मिला लेंगे। 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। हम इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून उतना पानी डालेंगे, हल्का सा बस मसाला मिक्स होने जितना, ताकि हमारे चिकन में अच्छे से अंदर तक मसाला जाए। फिर उसके बाद हम ये जो हरी मिर्ची रखी थी ये डाल देंगे और ये हरा धनिया डाल देंगे। बस अब हम गैस को बुझा देंगे, मिक्स करके हम गैस को बुझा देंगे। तो चलिए अब ये हमारी अखनी तैयार है, अब हम इसे चावल के साथ इसे दम दे देंगे। चलिए सबसे पहले इसमें हम अखनी डाल लेंगे, इस तरह से इसमें हम ये अखनी को जो रखा था ये पूरी अखनी इसमें हम अच्छे से डाल देंगे। हम नीचे इसलिए डाल रहे हैं अखनी क्योंकि हमारा चिकन बस हल्का सा फ्राई करे थे हमने। अगर आप अच्छे से गला के डाल रहे हैं तो आप बीच में भी डाल सकते हैं अखनी। तो चलिए अब इस पर हम चावल डालेंगे। हमने इस पर थोड़ा सा ये जो प्याज का तलावट तेल था वो 1 से 1.5 टेबल स्पून उतना डाल रहे हैं इसमें, क्योंकि हम इसे चावल पे भी डालेंगे बाद में। इस तरह से ये चावल की लेयर अच्छे से डाल देंगे पूरे एक साथ। और 1/2 कप हम बिल्कुल 5-6 टेबल स्पून उतना इसमें ये दूध डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे चावल अच्छे से गल चुके थे, बस हमें थोड़ा से ही इसे दम देना है। और ये फिर ये तेल जो रखा था हमने प्याज का वो वाला इस पर अच्छे से डाल देंगे इस तरह से। थोड़ा सा ऑरेंज कलर डालेंगे हम बिल्कुल 1/4 टेबल स्पून इतना, और फिर येल्लो डालेंगे। इसे हम अच्छे से इसे हम गैस पे 5 मिनट फुल आंच पे रहने देंगे, फिर उसके बाद हम गैस को कम कर देंगे। टोटल हमें से 20 से 25 मिनट लगेंगे दम देने के लिए, हम भाप निकले तक इसे दम देंगे। तो फिर हम 5 मिनट फुल आंच पे रखेंगे, फिर उसके बाद हम आंच को स्लो कर देंगे, फिर 15 से 20 मिनट तक उसे दम पे रहने देंगे। चलिए इसे अब हम ढक्कन न ढक कर दम दे देंगे। इस तरह से हम ये फॉइल की मदद से इसे अच्छे से ढक लेंगे इस तरह से। इसे ढक्कन ढक के इस पर वजन रख देंगे इस तरह से, ढक्कन की मदद से इसे हम दम दे देंगे। लीजिए बहनों, ये हमारी बॉम्बे बिरयानी तैयार है। इसे टोटल 20 से 22 मिनट हमें दम करने के लिए लगे हैं। फुल आंच पे हमने इसे 5 मिनट रहने दिया था, 15 से 16 मिनट हमने इसे स्लो आंच पर रखा था। तो लीजिए आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।